हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। क्लास 12 के बोर्ड स्टूडेंट जो मुझसे रेगुलरली पूछते रहते हैं कि उनके बोर्ड एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, ये तो सभी का सवाल है, ये पूरे नेशन का सवाल बन चुका है। उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, सीबीएसई की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। 1 जून को सीबीएसई की एक बड़ी मीटिंग होगी जिसके अंदर सीबीएसई ऑफिशियल्स और एजुकेशन मिनिस्टर साथ में बैठ के डिसाइड करेंगे कि उन्हें बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करने या नहीं करने, क्योंकि सीबीएसई ने साफ बोल दिया है कि जुलाई के बाद बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जितना लेट एग्जाम्स होंगे उतना ही लेट कॉपीज चेक होगी, इवेल्युएशन होगा, रिजल्ट आएगा, कॉलेजेस के एंट्रेंसेस भी है, फिर कॉलेजेस में एडमिशन भी है, तो ये सारे प्रोसीजर बहुत लेट होते जाएंगे और जितना लेट होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि बच्चों का एक साल वेस्ट हो सकता है। इसलिए सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि अगर एग्जाम्स होंगे तो जुलाई में होंगे या जुलाई तक होंगे, जुलाई के बाद सीबीएसई कोई भी 12th के बोर्ड एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करेगा। जब एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करेगा तो उनको भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स की तरह ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी न्यूज है सारी क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू।